हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप दो डीजे मिक्सर को एक साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और उनसे एक ही सॉन्ग आउटपुट कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं दो डीजे मिक्सर को आप कैसे एक साथ कनेक्ट करेंगे और उनको कैसे एक सॉन्ग प्ले करके दूसरे मिक्सर से भी वही सॉन्ग आउटपुट कराएंगे। तो पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक न्यूमार्क का M4 डीजे मिक्सर और यहाँ पे है एक फोनिक का MX300XE डीजे मिक्सर। तो हम पहले इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें कनेक्ट करना होगा इस प्लेयर के साथ इस मिक्सर को। यहाँ पे मैंने प्लेयर में इनपुट कर दिया और वहाँ से जो आउटपुट जा रहा है उसको मैंने यहाँ पे चैनल 1 में डाल दिया। तो यहाँ से ये मिक्सर का चैनल 1 को ये इनपुट हो रहा है और यहाँ पे आप दूसरा अपना लैपटॉप या फिर दूसरा प्लेयर यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट करने के बाद इस मिक्सर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे चाहिए होगा आपका जो यहाँ पे मास्टर दिया गया है, वहाँ से आपको आउटपुट लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे मास्टर का आउटपुट ले लिया और कनेक्ट कर दिया इस मिक्सर के चैनल 1 के साथ। यहाँ पे जो मास्टर का आउटपुट होगा ये चैनल 1 में इनपुट होगा इस मिक्सर के। और नेक्स्ट इस मिक्सर के साथ एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट होके रेडी हो चुका है। जब मैं प्लेयर से एक आउटपुट करवाऊंगा तो ये इस मिक्सर को आ जाएगा और इस मिक्सर से इस मिक्सर के चैनल 1 पे ये शेयर हो जाएगा और उसके बाद इस मिक्सर के जो मास्टर आउटपुट है वहाँ से ये एम्पलीफायर को शेयर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम चला के देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप पहले जान लीजिए, जब आप दो मिक्सर को कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले वाला जो मिक्सर है उसका जो मास्टर है उसको हमेशा कम में रखिए। नेक्स्ट, आपका जो दूसरा मिक्सर है उसका जो इनपुट का गेन है, मतलब ये वाला मिक्सर से जो आउटपुट होके इस मिक्सर में आया है, तो जो भी चैनल में आपने इनपुट किया है उस चैनल का गेन को पहले कम करके रखिए। तो नेक्स्ट, आप एक सॉन्ग प्ले कीजिए। जैसे कि मैंने चैनल 3 में एक सॉन्ग प्ले किया हुआ है तो जहाँ तक मेरा यूनिटी गेन है वहाँ तक मैं सेट कर देता हूँ इसको। और नेक्स्ट, इसका मास्टर को मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे लाइट आना शुरू हो चुका है। आप मैक्सिमम यहाँ पे येलो लाइट तक चलाएंगे और यहाँ पे इसका जो गेन है इसको बढ़ाने से पहले मैं इस चैनल का जो फेडर है इसको मैं यूनिटी गेन पे सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत साउंड आना शुरू हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इसका गेन को खोलते हैं। दोस्तों, ये दो मिक्सर कनेक्ट हो चुके हैं और दोनों मिक्सर में से आउटपुट हो रहा है। पहले मैं इन दोनों फेडर को ऊपर रखूंगा जब आवाज़ आएगा, नेक्स्ट मैं इसको कम करूंगा तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा और इसको भी अगर मैं कम करूंगा तो भी आवाज़ आना बंद हो जाएगा क्योंकि इस मिक्सर से इस मिक्सर को ये आउटपुट हो रहा है। आप सुन लीजिए।
तो दोस्तों इस तरह से आप दो मिक्सर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक ही सॉन्ग को दोनों मिक्सर में से आउटपुट करा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं आप इन दोनों मिक्सर का चैनल्स कैसे यूज करेंगे। आपने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अगर आप चैनल वन में इनपुट करते हैं या फिर टू में या थ्री में, यहाँ से जो भी आउटपुट होगा वो चैनल वन में इनपुट हो जाएगा। इस मिक्सर का जो चैनल वन है ये तीनों चैनल को प्ले कर सकता है। सोच लीजिए अगर आप इस मिक्सर का चैनल थ्री यूज कर रहे हैं यहाँ से चैनल वन पे कनेक्ट करके, तो अगर आप चैनल टू यूज करते हैं तो भी आपका आउटपुट होगा, अगर चैनल वन यूज करते हैं तो भी आपका यहां से आउटपुट होगा। मतलब चैनल वन जो है वो तीनों चैनल को चला सकता है यहां पे, और ये दो रेस्ट जो चैनल है चैनल टू और थ्री ये सेपरेट रहेंगे। अगर आप यहां से कोई लैपटॉप या फिर प्लेयर या फिर मोबाइल से यूज करते हैं तो ये दोनों चैनल सेपरेटली प्ले होंगे, लेकिन चैनल वन का जो आउटपुट होगा वो इस मिक्सर का इनपुट जो भी आपने डाला है, चैनल वन हो या टू हो या थ्री हो, तो वो इस चैनल में आ जाएगा। तो चलिए एक एक चैनल को प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे यहाँ पे इस मोबाइल पे मैंने एक सॉन्ग प्ले किया है जिसका आउटपुट मैं पहले चैनल वन में डालूंगा, टू में डालूंगा और थ्री में, और इन दोनों चैनल में भी डाल के हम देख लेंगे कि ये सेम आउटपुट करता है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप दो मिक्सर को कनेक्ट कर सकते हैं और उनके चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दो डीजे मिक्सर कनेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।